गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज मैं आप सभी को लेकर चलना हूँ और एक बार फिर से KTM के शोरूम में, बिकॉज़ KTM की एक और नई गाड़ी आ चुकी है गोरखपुर में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार और चलता हूँ, शूट करता हूँ और आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, बिकॉज़ वो गाड़ी बहुत ही अच्छी है सिटी राइड के लिए। तो तुरंत पहुंचते हैं KTM शोरूम पे। सो गाइस, आई फाइनली मेड इट टू द KTM शोरूम और मेरे पीछे खड़ी है ड्यूक 200 BS6 जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है और गोरखपुर शोरूम में अवेलेबल भी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर करूं, बिकॉज नई वाली जो ड्यूक 200 है BS6 वो यार बहुत ही एडवांस है एंड उसका लुक बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। और प्रीवियस वाली कैसी लगती थी ये भी आप सभी को दिखाऊंगा और नई वाली कैसी लगती है ये भी दिखाता हूं। तो नई वाली और पुरानी वाली के लुक वाइज तो यार बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कर दिया गया है और प्राइस में भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट किया गया है, तो वो लुक वाइज ज़रूरी था बिकॉज काफ़ी कुछ नया लगाया गया है गाड़ी में और काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गाड़ी का सिनेमैटिक, उसके बाद से गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सामने खड़ी है नई ड्यूक 200 और दो कलर्स में अवेलेबल है गोरखपुर शोरूम में, एक है वाइट कलर में एंड सेकंड इज ऑरेंज कलर। और मेरे प्रेफरेंस की, मेरे चॉइस की बात करोगे यार, तो ड्यूक 200 वाइट कलर में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत ही अमेजिंग लग रही है। एंड सेम ऑरेंज कलर में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, बट मेरी चॉइस तो वाइट ही रहेगी बिकॉज वाइट काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड गाड़ी की स्टार्टिंग करते हैं यार इसके बैक साइड से। हमें यहाँ मिलता है LED लाइट्स जो कि पुराने वाले से काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है इसमें। और इस साइड आ जाते हैं तो यहाँ पे KTM ब्रांडिंग की गई है, ये भी BS4 में नहीं था एंड BS6 में जब नया लॉन्च हुआ है तो इसमें लाया गया है। और ग्रे ग्रिल पहले इतना बड़ा नहीं आता था, अब काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो ये काफ़ी कम्फर्टेबल रहेगा लोगों के पकड़ने के लिए एंड होल्ड करने के लिए। और सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। नीचे आते हैं तो हमें डुअल चैनल ABS मिलता है और सस्पेंशन बात करें तो हमें मोनोशॉक सस्पेंशन मिला हुआ है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है जो कि पुराने वाले की तरह ही है। यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें डुअल पार्ट में ट्रेलिस फ्रेम दिया हुआ है जो कि दोनों अलग अलग कलर्स के हैं और अंडरबेली एग्जॉस्ट दिया हुआ है। तो इस वाइट वाले के वेरिएंट में बात करेंगे तो हमें वाइट एंड ब्लैक कलर का मिलेगा और ऑरेंज वाले वेरिएंट में बात करेंगे तो हमें ऑरेंज एंड ब्लैक मिलेगा। तो ये दो चेंजेस हैं। आगे एक तरफ आ जाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे ग्राफिक्स मिलता है ड्यूक 200 का जो कि बिल्कुल ही नया, और सीट्स काफ़ी लंबी कर दी गई हैं और काफ़ी कम्फर्टेबल कर दी गई हैं। पहले आप सभी को दिखा दूँ, पहले सीट्स थे ड्यूक 200 के कुछ ऐसे एंड अभी हो गए हैं सीट्स कुछ वैसे। के साइड आते हैं तो हमें मिलते हैं MRF के टायर्स एंड डुअल चैनल ABS और नई वाले DRLs की बात करें तो हमें पोजीशन लैंप के साथ मिलते हैं और पुरानी वाली ड्यूक 200 में हमें सिंपल DRL मिलता था। एक बार आप सभी को मैं DRL ऑन करके भी दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ऑन होने के बाद दिखता है DRL कुछ ऐसा। की बात करें तो हमें सिंगल सिलेंडर फोर वॉल लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो कि है 200 cc का, और पावर की बात करें तो 25 PS का पावर जनरेट करती है 10,000 RPM पे एंड टॉर्क की बात करें तो 19.3 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करती है 8,000 RPM पे। तो टॉर्क एंड पावर के मामले में तो काफ़ी अच्छी है और सिटी राइड के लिए बहुत ही बेस्ट गाड़ी है। BS6 इंजन के वजह से 35-40 का आपको सिटी में एवरेज मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसी स्पोर्ट्स बाइक आपको मिल रही है नए लुक के साथ और प्लस 35-40 का एवरेज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। पहले आती थी ड्यूक 200 कुछ वैसी, बट अब आ रही है कुछ ऐसी, तो अब काफ़ी ज़्यादा लुक में डिफरेंट कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। एक बार आप सभी को दिखाता हूँ सामने से दिखती है ड्यूक 200 ऐसी। एक कॉमन चीज़ जो दोनों कलर्स में आप सभी को दिखाई देंगे वो है इसके अलॉय व्हील्स, वाइट लो या फिर ऑरेंज लो, आपको ऑरेंज अलॉय व्हील ही मिलेगी, ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कूलेंट की बात करें तो कूलेंट पड़ता है यार यहाँ से, यहाँ कैप दिया हुआ है कूलेंट का, तो ये आप ओपन करके एंड फिर कूलेंट भर सकते हो। ग्राफिक्स की बात करें तो यार पहले पूरे ऑरेंज कलर में ही आती थी, बट अब ब्लैक एंड वाइट कर दिया है तो डुअल कलर काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब आप सभी को एक बार इसके डिस्प्ले के बारे में बता देते हैं कि डिस्प्ले इसका कैसा है एंड डिस्प्ले में क्या क्या फीचर्स हमें अवेलेबल मिलते हैं। ऑन करते हैं हम ड्यूक 200 को, देख के आता है सबसे स्टार्टिंग में रेडी टू रेस।
एंड हमें यहाँ पे मिलता है टेम्परेचर, फिर फ्यूल कितना है आपकी गाड़ी में, यहाँ पे लिख के आता है स्पीड, एंड यहाँ पे लिख के आता है स्पीड, और अभी साइड स्टैंड डाउन होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है साइड स्टैंड डाउन, यहाँ गियर्स लिख के आते हैं, यहाँ आरपीएम लिख के आता है, और ये दिया हुआ है शिफ्ट आरपीएम का बटन। तो जब आप आरपीएम क्रॉस कर जाओगे एक एक्सटेंट से तो ये रेड लाइट जलने लगती है। बाकी सिंपल डिस्प्ले है, न्यूट्रल, इंजन, एबीएस एंड साइड स्टैंड, ये दोनों दिया हुआ है। बगल में दो बटन्स दिए हुए हैं मोड एंड सेट के, जब आप मोड पे क्लिक करते हो तो एक्चुअल फ्यूल कैपेसिटी दिखाता है, पर लीटर कितना दे रही है, टाइम ट्रिप दिखा देता है, और सेट पे क्लिक करते हो तो एवरेज स्पीड आपको दिखा देगा कितना गया है, और एवरेज फ्यूल कैपेसिटी एंड फ्यूल रेंज, तो इतनी सारी चीज़ें दिखा देती हैं, एंड बीच में यहाँ पर टाइम लिख के आता है। तो ये ड्यूक 200 का बेसिक डिस्प्ले, तो डिस्प्ले के लिए सिर्फ इतना ही। गाड़ी में मेन डिफरेंसेस की बात करें तो यार टोटल कुछ 3-4 डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट वन इज़ यार BS4 से BS6 में इसके इंजन को चेंज किया गया है। सेकंड वन इज़ फ्यूल कैपेसिटी, पहले 10.5 लीटर्स की फ्यूल कैपेसिटी थी, अब 13.5 लीटर्स की है, और सामने के DRS बिल्कुल ही चेंज कर दिए गए हैं। फोर्थ चीज़, बैक लाइट भी चेंज कर दी गई है, और जो चेचिस है वो डुअल पार्ट में चेंज कर दिया गया है, वाइट एंड ब्लैक, वाइट वेरियंट में, और जो ऑरेंज कलर है उसमें ऑरेंज एंड ब्लैक। तो काफ़ी सारे चेंजेस हैं, ग्राफिक्स भी बिल्कुल चेंज कर दिए गए हैं, सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल कर दी गई है और बड़ी कर दी गई है। तो यार गाड़ी को तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है, और ड्यूक 200 एंड ड्यूक 250 का लुक सेम है, ड्यूक 200 BS4 से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कर दिया गया है। एवरेज भी इसका इंक्रीज़ हुआ है, एवरेज पहले कुछ मिल जाता था 30-35 एंड अब मिल रहा है 35-40 इन सिटी, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और लुक भी काफ़ी इनहेंस किया गया है। अब आप सभी को एक बार जल्दी से एग्जॉस्ट का साउंड सुना देता हूँ कि एग्जॉस्ट का साउंड कैसा है। तो गाइज अब बात करते हैं सतप्रकाश भैया से, ये शोरूम मैनेजर है KTM गोरखपुर के। तो भैया आप एक बार सबको प्राइसिंग बता दीजिए कि पुरानी वाली और इस वाली में कितने का डिफरेंस है, और कलर वेरिएंट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। दोस्तों ड्यूक 200 में दो कलर वेरिएंट में गाड़ी अवेलेबल है, वाइट कलर और ऑरेंज कलर। प्राइस इसकी गोरखपुर शोरूम पे ऑन रोड 2,03,000 रुपये पड़ेगी। और बजाज फाइनेंस से फाइनेंस भी आप करा सकते हो, लोन इजीली अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा ठीक है, तो कोई भी गाड़ी अगर BS6 मॉडल में KTM बाइक लेनी है तो आप KTM गोरखपुर शोरूम पे जरूर आएँ। थैंक यू भैया जी। तो अब इस व्लॉग को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप सभी को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। मुझे तो ये गाड़ी यार पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके अपने थॉट शेयर करो कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आप सभी को मेरे वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें।